नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते का अगर हम रिव्यू की बात करें तो पिछले हफ्ते में वीकली में हमने सोने और चांदी में प्राइजेस एक दायरे में बनते हुए देखा। हमने देखा सोना मल्टीपल ऑफ टाइम 46,200 के ऊपर जाने की कोशिश करता है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्लोजिंग बेस पे शुक्रवार के सेशन में हमने 45,812 का लेवल क्लोज होते हुए देखा। ओवरऑल पूरे हफ्ते में 5% की तेजी के साथ हमने शॉर्ट कविंग देखा था गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी। चांदी में हमने करीबन 4% की तेजी के साथ चांदी को 43,300 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश बाइंग के चलते हमने ये तेजी आते हुए देखी। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो 40,951 का लो दिखाने के बाद प्राइजेस 43,800 तक के लेवल हमने आते हुए देखे। ओवरऑल सोना और चांदी हायर साइड पे काफ़ी रेजिस्टेंट लिए हुए हैं तो बड़ी तेजी का रुख एज ऑफ नाउ नहीं है अनलेस एंड अंटिल कोई एक बड़ा ट्रिगर मार्केट में नहीं आता है। साथ में हमने देखा जो ग्लोबल इकोनॉमी है अब वो ओपन होते हुए जारी है, जिसके चलते जो कंसर्न्स कोरोना को लेकर गोल्ड को सपोर्ट कर रहा था अब वो मिटिगेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सोने और चांदी में अगले हफ्ते में हम एक गिरावट देख सकते हैं। वहीं अगर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने क्रूड के प्राइजेस में 21% की तेजी और नेचुरल गैस में 3% की गिरावट आते हुए देखी। ओवरऑल हमें लगता है कि जब तक 150 के ऊपर नेचुरल गैस सस्टेन नहीं करती है ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है, जो 138 का लेवल तोड़ने पे हम 132 तक का भी लेवल देख पाएंगे। थोड़ी बहुत मार्केट में बाउंस आता हुआ दिखाई देगा बट फ्रेश सेलिंग के चलते हमें लगता है काउंटर वीक रहेगा जो 130-132 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में हमने 2000 के ऊपर जाते हुए जरूर देखा बट प्राइजेस सस्टेन किए हुए नहीं दिखाई दिए और डाउन साइड में हमने देखा कि प्राइजेस 1820 तक का लेवल हमने डाउन में होते हुए देखे हैं। ओवरऑल जो सप्लाई कंसर्न स्टोरेज कंसर्न जो बना हुआ था वो अब शॉर्ट आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। सामने हम अप्रैल में जिस ढंग से एक एक्सपायरी का पीरियड देखा था, इस बार भी एक्सपायरी के पीरियड में अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, तो थोड़ा कॉशियस रहकर क्रूड ऑयल में ट्रेड करने की ज़रूरत है। नो डाउट वीकली बेस पे शॉर्ट कवरिंग जरूर दिखा रहा है बट सस्टेनेबल नहीं है। वहीं पूरे बेस मेटल में हमने देखा इकोनॉमी ओपन अप हो रही है जिसके चलते पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिला है बट कंसर्न यही है कि जो लॉकडाउन के चलते माइंस बंद हुए थे, जो सप्लाई कंसर्न बंद हुए थे वो अब रीओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते हायर साइड थोड़ा सा कैप दिख रहा है अनलेस एंड अंटिल कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं आता है। तो कॉपर में ध्यान रखिए 412 का लेवल तोड़ने पे हम लोग एक अच्छी कैसी रैली देख सकते हैं, अदरवाइज मार्केट 390 से लेकर 410 के बीच में ट्रेड करेगा। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक में 155 के ऊपर होल्ड करने पे हम एक रैली देख सकते हैं 158 तक, अदरवाइज प्राइजेस में फिर से 150 तक का लेवल मिल जाएगा। निकल का प्राइजेस 900 से 960 के बीच में ट्रेड करेगा। वहीं एल्यूमिनियम में एक बाउंस जरूरी है बट 134 का लेवल तोड़ने पे ही हम एक बाउंस देख पाएंगे, अदरवाइज एल्यूमिनियम और लेड ये दोनों ही काउंटर साइडवे टू नेगेटिव रहने की उम्मीद है। आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें, सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो सोने और चांदी में एक फ्लैटिश मूव है, जहां गोल्ड अभी भी 1710 के करीब ट्रेड कर रहा है, चांदी 1580 के ट्रेड कर रही है। तो चांदी में हो सकता है बेस मेटल के चलते थोड़ा बहुत बाउंस मिल जाए बट $16 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, जबकि गोल्ड 1680 से लेकर 1720 के बीच में ट्रेड करेगा। WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल आज दोनों में ही करीबन 1.5 से 2% की गिरावट चल रही है। वहीं नेचुरल गैस में 0.5% की तेजी है जो सस्टेनेबल नहीं दिखाई देती है। वीक्स इंडेक्स में भारी गिरावट है जिसके चलते उम्मीद है कि आज इक्विटी मार्केट में तेजी का रुख रहेगा। वहीं डॉलर इंडेक्स आज 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं कंसर्निंग दिखा रहा है। LME पे इस वक्त बेस मेटल की अगर बात करें तो थोड़े बहुत पॉजिटिव ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, जिस ढंग से ग्लोबल इकोनॉमी ओपन हो रहे बट इमीडिएट रेजिस्टेंस के नीचे प्राइजेस है। आज के सेशन के लिए सोना 46,200 के ऊपर जब तक नहीं निकलता ट्रेंड वीक है, जो 45,550 का इमीडिएट टारगेट दिखा सकता है, रेंज 45,500 से 46,200 की रहेगी। वहीं चांदी को बेस मेटल का सपोर्ट जरूर है, 43,000 का लेवल तोड़ने पे ही हम प्राइजेस में एक तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज 43,500 तक का एक लेवल देखने मिल सकता है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो आज गिरावट का रुख रहेगा, 1800 का लेवल तोड़ने पे 1680 से 1640 तक का लेवल हम क्रूड ऑयल में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो आज हो सकता है प्राइजेस पॉजिटिवली ओपन हो बट 145 के ऊपर जाने पे ही हम एक बड़ी तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट 132 के लिए तैयार है। बेस मेटल काफ़ी साइडवे रहने की उम्मीद है, थोड़ा सा वेट करके ट्रेड कीजिए। मई मंथ 407 के करीब है, जो हो सकता है 402-403 का लेवल मिल जाए। और वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो 151 तक का लेवल मिल सकता है।